सो 12 बज चुके हैं और आज फिर हम लोग देर तक सोते रहे। कायदे से सबने डिसाइड किया था कि जल्दी उठ जाएंगे, सिर्फ रिद्धिमान भैया जल्दी उठे थे, बाकी सब के सब सो रहे थे। हम लोग सिर्फ डिसाइड करते हैं। एक्चुअली मैंने रात में वीडियो एडिट किया, 3 बजे तक वीडियो एडिट किया और लगभग वीडियो कम्प्लीट हो गया और एंड टाइम पर मुझे नींद आ गई, 3 बजे मैं सो गया। लास्ट वीडियो का पार्ट एडिट नहीं हो पाया, तो अब जहाँ नेक्स्ट स्टॉप पर रुकेंगे वहाँ वीडियो बाकी का रेंडर करेंगे और उसके बाद आपको वीडियो देंगे हम। फिलहाल अब हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से निकलने का और कोशिश है आज कि हम लोग मुजफ्फरपुर से आगे क्रॉस कर जाएं। गोरखपुर तो मुझे नहीं लगता पहुँच पाएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर क्रॉस करके जो जगह मिलेगी वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि फटाफट पहुँचना है लखनऊ। लखनऊ पहुँचने के बाद शुरू करनी है एक नई जर्नी और वो जर्नी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा सैक्रेट धार्मिक। लेकिन लखनऊ पहुंचते ही हमें रुकना नहीं है, लखनऊ में तुरंत एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है। तो स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग, मजा आती रहेगी, देखते रहो। यहाँ से निकलते हैं, फिलहाल पैकिंग सारी वापस से हो चुकी है और ये जूते पहन ले बाद निकल जाएं यहाँ से। सो फाइनली हम लोग यहाँ ढाका लॉज से निकल रहे हैं और आज हम लोग का टारगेट जो है वो मुजफ्फरपुर है, कि कम से कम हम लोग मुजफ्फरपुर तक की राइड कर लें, मुजफ्फरपुर पहुँच जाएँ। हालाँकि इतनी जल्दी जाने का मन नहीं था यार, मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था सिक्किम में, लेकिन माना हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ से निकलना पड़ रहा है। और रिद्धिमान भैया को भी जल्दी हो गई, अचानक से कोई कॉल आ गया तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। 7 घंटे 8 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 7 बजे तक, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग हम 7 बजे तक पहुँचेंगे। लेकिन आज हम मुजफ्फरपुर से और आगे अगर इसके अकॉर्डिंग रहे, बीच में वैसे खाने के लिए रुकना है, बागडोगरा 12 किलोमीटर। यहाँ अगर आप आते हो तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट यही है बागडोगरा। कोलकाता यहाँ से 578 किलोमीटर, दार्जिलिंग 77 है। वाह गुड। सो बाय बाय सिलीगुड़ी, हम जा रहे हैं, फिर मिलेंगे जल्दी। सिलीगुड़ी से बाहर निकलते वक्त रोड अच्छी हो जाती है और बदबू लेकिन अभी भी है, बदबू बरकरार है, इस बदबू ने तो दिमाग ख़राब कर रखा है। गो स्लो क्रॉसिंग अहेड, ओके। सिक्किम में घूमने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं, अगर आप सिक्किम जाते हो तो सिर्फ गैंगटॉक में ही कम से कम 7 से 8 ऐसी प्लेसेस हैं जिसमें आपको डेफिनेटली 6 से 7 दिन का समय लगने वाला है। तो अगर पूरा सिक्किम एक्सप्लोर करना है तो कम से कम आपके पास 1 महीने का टाइम हो, तब आप पूरा सिक्किम एक्सप्लोर कर पाओगे, अदरवाइज़ कोई ना कोई प्लेस मिस ज़रूर हो जाएगी। और सारी प्लेसेस बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही औसम है। तो ये सारी प्लेसेस तो हमने वहाँ जाने के बाद देखी कि इतनी सारी प्लेसेस हैं, लेकिन हमारा जो मेन सपना था कि गुरुडोंगमर लेक को देखने का और फील करने का कि 17,800 फीट पे क्या हमें वैसी प्रॉब्लम आती जैसी पेंगोंग लेक पे आई थी या नहीं आती, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। लेह में कदम रखते ही सर भारी हो गया था और पेंगोंग लेक पे कंटिन्यू सर भारी था, बट यहाँ ऐसा कोई फील नहीं हुआ हमें, जबकि 17,800 फीट पे थे हम लोग, वहाँ तो 14,000 फीट ही है। बट ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगा, माहौल बढ़िया था, बस एक ही कमी खली कि अगर वहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाती, एक दिन फुल टाइम दे पाते हम लोग, थोड़ा लेक के किनारे टाइम दे पाते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। बट फॉर सिक्योरिटी रीजंस वहाँ इतनी ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता, वापस कर दिया जाता है, आर्मी वहाँ 24/7 रहती है, सो ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो वापस से शुरू हो चुकी है चाय की खेती और ये सारे के सारे खेत जो हैं वो चाय के हैं, यहाँ से बनती है चाय और इसका जो टेस्ट होता है ये होता है रियल चाय का, हमारे पास तो कूड़ा कचरा पहुँचता है। तो ये नेपाल बॉर्डर है, चल के देखें क्या नेपाल। पानी टंकी कस्टम्स, पानी टंकी कस्टम्स है, हमको लगा पानी टंकी एक्चुअल पानी टंकी है। हमारे राइट साइड नेपाल है, काठमांडू 450 किलोमीटर है यहाँ से, पानी टंकी ब्रो। तो हमने बिहार में कदम रख दिया है और अब बिहार में कदम रखा है तो गाय को मिलना तो आम बात है रोडों पे। अभी देखिएगा लाइन से आपको सिर्फ गाय 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 और गाय ही दिखेंगी, क्योंकि चारे की वजह से वो लोग गाय पे, ये देखिए सब गाय, चारे घोटाले की वजह से लोग रोड पे आ चुके हैं। तो लगभग 100 किलोमीटर हमने कवर कर दिए, 5 घंटे 12 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अभी भी मुजफ्फरपुर तक का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बिहार है, तो बिहार में गाय तो नॉर्मल है, रोड पे ऐसे देखने को मिलेंगी जैसे क्या बताएं, गाय रोड के लिए ही बनी है, सिर्फ गाय गाय गाय। कभी कभी बीच में मटन भी दिख जाता है जो ऐसे टहलता रहता है रोड पे, उसे खौफ नहीं बिल्कुल कि तुरंत मटन बन जाए वो। ये देखिए रोड के बीच में टहल रहा है मटन, इसको कोई खौफ नहीं कि अभी तुरंत मटन बन जाए, ये देखिए मटन। हमारे वैरागी मोटो व्लॉग भाई ने फ़ोन गिरा दिया अपना, ग्रह दशा ठीक नहीं है इनकी।
खैर फोन बच गया, सिर्फ बैक पैनल गया है। हम लोग यहाँ करीब 25 मिनट रुक गए इन लोग का इंतजार करने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे, दिख ही नहीं रहे थे। हम वापस से निकल चुके हैं हम अपनी जर्नी की तरफ, और अररिया से पहले रुकना नहीं है। और मैं तो कहता हूँ अररिया में भी नहीं रुकना है, क्योंकि अररिया बहुत बढ़िया नहीं था। तो अररिया क्रॉस कर जाएंगे। वी आर रीचिंग टू अररिया। अररिया हम पहुंच चुके हैं और अब और आगे जाएंगे। 230 किलोमीटर का रास्ता है मुजफ्फरपुर का, 4 घंटे 16 मिनट का रास्ता शेष। सिक्किम जाते वक्त हम लोग इसी होटल में रुके थे यहाँ अररिया पे, और अभी हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। आज हमने टाइमली इसे क्रॉस किया है 3 बजे के आसपास। तो हमारा टारगेट यहाँ रुकना नहीं है, हमारा टारगेट है मुजफ्फरपुर। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया हमने कवर कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा, 187 किलोमीटर बचा है मुजफ्फरपुर। 7:12 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 7:12 तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हमें लगी भूख। रास्ते में कुछ खाने के लिए सोच रहे हैं रुकने को, लेकिन कोई भी अच्छा होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम हैं बिहार में। तो बिहार तो आप जानते ही हैं, लाजवाब स्टेट। और ये कई जगहों पे यहाँ पे ये डेंजर का साइन बना हुआ है, लेकिन ये डेंजर का साइन क्यों बना है ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई वार्निंग या कोई कॉशन नहीं लिखा हुआ है, बट सिर्फ डेंजर का साइन बना के चिपका दिया गया है। इस रोड में लगभग बहुत जगह ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है। अगर किसी को मालूम है कि डेंजर का साइन काय को लगा है, तो मेरे को कमेंट करके बताने करिए। सुबह से हमने कुछ खाया हो या ना खाया हो, लेकिन हमारी बाइक को भूख जरूर लग गई है। पेट्रोल पूरा ख़त्म हो गया है, अब हमारा सारी बाइक्स में फिर से फ्यूल अप हो चुका है। और बाइक की हालत देखिए आप, क्या हो चुकी है, इतनी गंदी बाइक हो गई है भाई, लग ही नहीं रहा ये बाइक। पिछवाड़े तो लाल हो ही गए हैं, खाने के लिए हम लोग सुबह से रुके नहीं है, चाय तक नहीं पिए, लगातार दबाते हुए स्पीड में चले आए हैं। तो हम लोग घूम फिर के, हम लोग ने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी समझ लो वहीं आ गए हैं, तंदूरी हट। 3-4 दिन पहले हम यहीं पे थे जब हम निकले थे सिलीगुड़ी के लिए शाम में। तो हम लोग ने नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ खा पी लिया है, पेट टाइट कर लिया है, और आधे घंटे रेस्ट भी कर लिया है। सो अब यहाँ से निकलते हैं। ये लोग बाइक में अपनी हवा चेक करा रहे हैं। मैंने मैप सेट कर दिया है गोरखपुर का, तो जितना भी रास्ता हम कवर कर पाएंगे 9:30 बजे तक उतना कवर करेंगे। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता कवर कर लें, ताकि लखनऊ टाइम से पहुँच पाएँ कल। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा किलोमीटर रह जाएंगे तो कल सुबह तो उठना नामुमकिन ही है, उसके बाद लेट हो जाएगा उधर रात में। तो रात में लेट ना हो इसलिए आज जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो बाइक चलाते चलाते हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं, और यहाँ से दिखा रहा है 429 किलोमीटर लखनऊ। अगर कंटिन्यू राइड करते हैं तो सुबह 5 बजे हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमें नींद नहीं आ रही है, तब तक हम राइड कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह दोपहर 12 बजे हम लोग सो के उठे थे और लेट में निकले थे। तो अभी तो राइड कर सकते हैं, ऑलमोस्ट अभी काफ़ी टाइम है, मतलब 12 बजे तक तो चला ही सकते हैं। फाइनली वेलकम टू उत्तर प्रदेश, और अपने स्टेट में वापस प्रवेश कर रहे हैं हम। 367 किलोमीटर लखनऊ अकॉर्डिंग टू रोड, 366 किलोमीटर। ये जीपीएस और रोड कभी मैच नहीं करते, हमेशा 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे ही होते हैं। आज तो हम लोगों ने धागे खोल दिए हैं बिल्कुल। हैं बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हो यार, इतनी देर से कह रहे हैं रुक लो रुक लो रुक लो, एकदम टूट गया है कहाँ तो हम लोग ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, रेस्ट भी कर लिया है, और बज रहे हैं 1:24। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अगर अभी तक तो नींद नहीं आ रही, अगर किसी को नींद आई तो रुक जाएंगे, अदरवाइज हम लोग सीधे लखनऊ में रुकेंगे। और बाइक में थोड़ी सी हो गई है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आई है इस राइड के दौरान, ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। सो हम क्रॉस कर रहे हैं गोरखपुर, और आज तो हमने धागे ही खोल दिए। 12 घंटे से कंटिन्यू राइड कर रहे हैं, 12 बजे निकले थे और लगभग 1 बज रहा है। बीच में हमने 1.5 घंटे रेस्ट लिया है 2 जगह, बस बाकी लगातार चल रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। बीच में हमें हल्की सी नींद आई थी, तो एक ढाबे पर रुक के हम 1-1.5 घंटे सो लिए, और जब थोड़ा बेटर फील हुआ तो वापस से निकले हैं। और फाइनली मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूं। सब लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। रिद्धिमान भैया कानपुर के लिए निकल गए, और दूसरे भाई जो हमारे थे ईशु भाई, वो भी अपने घर की तरफ निकल गए हैं। तो ऋषि को भी घर छोड़ दिया गया है। अब फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने घर, और जाके करूँगा थोड़ा सा रेस्ट, नहाऊँगा फ्रेश होऊँगा, और फिर से गाड़ी में कराना है मुझे काम, तो तुरंत निकलना पड़ेगा। आज ही का टाइम है मेरे पास गाड़ी बनवाने का, क्योंकि प्लान हमारा जो था कि सुबह हमें फिर से एक नई ट्रिप के लिए निकलना है। सो वो प्लान अभी तो ऑन है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और आज तक की ये हमारी सबसे लंबी ट्रिप रही है, जो एक स्ट्रेच में हमने इतना कवर किया है, मतलब सिलीगुड़ी से लखनऊ डायरेक्ट हमने कवर किया है।
बिना कहीं स्टे किए। ये हमारे लिए भी एक नया रिकॉर्ड है और आप लोगों के लिए भी हमारी तरफ से एक नया रिकॉर्ड है कि एक दिन में हमने इतना कवर कर डाला। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, व्लॉग्स आते रहेंगे, मज़ा आती रहेगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब जो बाइक में काम होना है, क्या क्या काम होना है, वो आप अगले वीडियो में देखोगे। चलो बाय बाय।